हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एंजल गार्डन। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ बहुत अच्छे से होंगे। आज मैं बात करने वाली हूँ परमानेंट प्लांट पे, जिन्हें आप ग्रो कर सकते हैं, जो पूरे समर फ्लावरिंग करते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, पूरा वीडियो देखिएगा, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बाजू में बेल आइकन है, उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। सबसे पहला प्लांट मैं हिबिस्कस प्लांट दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, इन्हें आप ग्रो कीजिए। ये हाइब्रिड प्लांट है मेरा और आप देख ही पा रहे हैं, छोटा प्लांट है, इनमें फ्लावर बर्ड्स देखिए। तो इस प्लांट को ग्रो कीजिए। इनके कलर वैराइटीज़ आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, तो मनचाहा कलर आप अपने गार्डन में ला सकते हैं। इन्हें लगाने के लिए आप वेल्ड्रेन सॉइल तैयार करें, सॉफ्ट मिट्टी में इस प्लांट को लगाएं। और देखिए, बहुत बड़े से इनके फूल आए हुए हैं और ये रुक रुक के मेरे गार्डन में फ्लावरिंग करते रह रहे हैं। तो इस प्लांट को आप ग्रो कीजिए। मैंने एक ही पॉट में कई सारे हाइब्रिड हिबिस्कस लगा दिए हैं, साथ में स्वीट पोटैटो वाइन भी है। और ये न्यू अलमांडा प्लांट में लाई हूँ, अभी मैंने ट्रांसप्लांट भी नहीं किया हुआ है। ये बुशी प्लांट है, इनके फूलों के साइज़ थोड़ी छोटी होती है और ये भी पूरे समर फूल देते रहते हैं। तो अभी मैंने ट्रांसप्लांट नहीं किया है, जब मैं ट्रांसप्लांट करूँगी तो वीडियो भी अपलोड करूँगी। तो इन्हें भी आप ग्रो कीजिए, बहुत ही खूबसूरत ये फ्लावर प्लांट है। फ्रेंड्स, जो भी आप प्लांट लगाएं, पॉटिंग सॉइल वेल ड्रेन होनी चाहिए, सॉफ्ट मिट्टी में सभी प्लांट को लगाएं, जिससे आपके गमलों में पानी भी नहीं रुकते हैं और पौधों की ग्रोथ भी अच्छी होती है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये भी हाइब्रिड हिबिस्कस है और इन्हें लाए हुए मुझे 2-2.5 महीने हो चुके हैं और रुक रुक के ये भी फ्लावरिंग करते रहते हैं। तो देखिए, इनके फूलों के साइज बहुत प्यारे प्यारे कलर के हिबिस्कस प्लांट हमें मिल जाते हैं, हाइब्रिड प्लांट। तो आप ग्रो कीजिए, बहुत ही खूबसूरत आपके गार्डन लगेंगे। और यहाँ मैं और एक अलमांडा प्लांट दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, ये आप देख पा रहे हैं। ये जो अलमांडा प्लांट है फ्रेंड्स, ये इनकी जो टहनियाँ होती है खूब लंबे होते हैं और खूब बड़े बड़े इनके फूल होते हैं। तो इन्हें आप ग्रो कीजिए, इन्हें भी आप ग्रो कर सकते हैं। अलमांडा के कई कलर वैराइटीज़ होते हैं, तो इन्हें आप ग्रो कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको सर्दियों में फूल नहीं देंगे, पूरे समर आपको ये फूल देते रहेंगे। सर्दियों में आप इनकी कटिंग कर देंगे तो समर आते आते ये प्लांट बुशी हो जाते हैं, घने हो जाते हैं, तो इन्हें ग्रो ज़रूर कीजिए। विंटर में हिबिस्कस प्लांट भी फ्लावरिंग नहीं करते हैं, तो उस टाइम आप इनकी कटिंग कर दीजिए। समर आते आते ये प्लांट बहुत ही बुशी हो जाते हैं, तो इस प्लांट को आप ग्रो कीजिए। और ये प्लूमेरिया प्लांट मैं आपको दिखा रही हूँ फ्रेंड्स, मैं बहुत छोटा प्लांट लाई हुई थी और इन्हें साल भर मेरे गार्डन में हो चुके हैं, इनके ऊपर मैंने वीडियो भी अपलोड किया हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर आप प्लूमेरिया प्लांट लगाते हैं, छोटा प्लांट लगाते हैं, तो एक साल बाद ही ये फ्लावरिंग करते हैं, तो इन्हें भी ग्रो कर सकते हैं आप। तो फ्रेंड्स, जितने भी फ्लावर प्लांट मैंने आपको दिखाया है, ये सभी समर में फ्लावरिंग करते हैं, विंटर में फ्लावरिंग नहीं करते हैं। तो मैंने बताया ही, विंटर में आप इनकी कटिंग कर दें। और इन सभी प्लांट को ग्रो करने के लिए आप सॉफ्ट मिट्टी तैयार करें, एक हिस्सा मिट्टी लें, 1.5 हिस्सा खाद और आधा हिस्सा आप रिवर सैंड लें, जिन्हें रेत कहते हैं। इन सभी को मिला करके आप सॉफ्ट मिट्टी तैयार करके तभी अपने प्लांट्स को लगाएं, जिससे गमलों में पानी भी नहीं जमते, पौधों की ग्रोथ भी होती है। और फ्रेंड्स, विंटर में थोड़ा वाटरिंग पे ध्यान दीजिएगा, इन सभी प्लांट को विंटर में आप वाटरिंग जब भी कीजिएगा तो पहले सॉइल को चेक कर लीजिएगा। पहले आप देख लीजिएगा आपके गमलों की जो ऊपर की लेयर मिट्टी है वो हल्की सी सूख जाए, तभी आप वाटरिंग कीजिएगा। किसी भी प्लांट को आप इसी तरह से वाटरिंग कीजिए, जिससे आपके प्लांट कभी नहीं ख़राब होंगे
और हर 15-20 दिन पे नीम ऑयल का स्प्रे करते रहिए अपने प्लांट्स को, जिससे इंसेक्ट अटैक ना करे। हर 15-20 दिन पे नीम ऑयल का स्प्रे करते रहेंगे तो कोई भी कीड़े आपके प्लांट को नहीं लगेंगे। और फ्रेंड्स, जितने भी मैंने प्लांट आपको दिखाया है, ये सभी प्लांट फुल सन में रहने वाले हैं। पूरे दिन की धूप में ये सभी प्लांट रहते हैं, तो पूरे दिन की धूप में रखें इन सभी प्लांट को। तो फ्रेंड्स, अभी मैं बहुत थोड़ा ही फ्लावर प्लांट आपको दिखाई हूँ जो परमानेंट है। ऐसे बहुत सारे प्लांट हैं मेरे गार्डन में जो परमानेंट है और पूरे समर फ्लावरिंग करते रहते हैं, तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इस कारण से मैंने थोड़ा ही प्लांट आपको दिखाया है। तो होप करती हूँ वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ, नमस्कार।